अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये 10 मुहर्रम को हमने ज़रदा बनाया है। न्याज तो खैर नहीं थी, लेकिन कुछ ना कुछ बना के बांटते हैं। तो मैंने ज़रदा तो बॉईल कर लिया था, और फिर उसको चीनी और तेल घी का ऊपर से भगार करके ना फंसा लिया। थोड़ी सी वीडियो लेट हो गई है अगर देखा जाए, लेकिन ये है कि ये ज़रदे की प्लेन शक्ल आप लोगों के सामने है। अब ये कि मैं थोड़ा सा एडिशन करूँगी इसमें खोए का, और उसका जो इसमें मेवा जात डलते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें खोया डालेंगे। थोड़े से साइड से चावल प्लेन नहीं है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको पहले हर तरफ से एक्यूरेट इक्वली उसको वो कर लूँ इसमें, ताकि हर तरफ से मेवा और दम इसमें अच्छी से आए। हल्का सा दम तो मैंने लगा दिया था इसमें, लेकिन फिर भी तो हम पहले खोया डाल लें इसमें सब तरफ से, ताकि और हर तरफ खोया इसके डलना चाहिए, ताकि हर गर्दे में ज़्यादातर लवाजमात ही अच्छे लगते हैं, थोड़ा मुंह में आते हैं तो मज़ा आता है, और ज़्यादा गरम गरम ही अच्छा लगता है। और ये लीजिए, ये हमने इसमें बादाम, और ये मैंने ना खोपरा, इसमें पिस्ते भी लाने थे लेकिन वो जहीर साहब लेके नहीं आए तो रह गए, तो मैंने इनको ना रोस्ट कर लिया था घी के अंदर ना, सारे बादाम को भी और खोपरे को भी। तो आज थोड़ा डिफरेंट देख लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई किए। मेवा डालने के बाद अब हम इसमें अशरफियाँ धो के रखी हुई हैं, तो वह अशरफियाँ मैं अब डालूंगी। तो ये अशरफियाँ सब तरफ से डल रही हैं, मिल जाती है इसलिए हर यहाँ पाकिस्तान में तो हर जगह मिल जाती हैं, हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है। खैर मैं अपने इधर के तरीके से ही बनाती हूँ। तो अशरफियाँ सब तरफ स्प्रेड कर दी हर तरफ, और ये इसमें ये कि कलर येलो कलर की भी होती है लेकिन इसमें नहीं है, ये रेड एंड ग्रीन है। और अब हम ये डाल रहे हैं डिलीशियस मिठाइयाँ जो कि जान होती हैं जर्दे की। तो ये कलरफुल चमचम होती है जिससे बहुत अच्छी लुक आती है जर्दे की। जर्दे में बेसिकली होते तो ये मीठे चावल है, लेकिन ये जो हम ऊपर से जितने भी ये मेवा जात और ये सब कुछ डालते हैं तो इससे ही फ्लेवर आता है, और ज़्यादातर जेंट्स को यही चीज़ मज़ेदार लगती है। तो आप लोगों को देख के अच्छा लगा होगा।